हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 कॉलेज इन मुजफ्फरनगर। अगर आप मुजफ्फरनगर में अपने एडमिशन के लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि जैसे कि कौन सा कॉलेज किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है और कोर्सेज की फ़ीस क्या है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉप 10 कॉलेज लिस्ट पे नंबर फर्स्ट पे है SD कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड वोकेशनल स्टडीज़। यह कॉलेज 2001 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। जैसा कि ये फार्मेसी कॉलेज है तो यहाँ पे B Pharma, D Pharma, B Pharma लेटरल, M Pharma जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस लिस्ट पे नंबर सेकंड पे है श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ। यह कॉलेज 2005 में स्टैब्लिश हुआ था और ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो एक प्राइवेट कॉलेज है। जैसा कि ये लॉ कॉलेज है तो इसमें कोर्सेज की बात करें तो LLB और BA LLB जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस टॉप 10 कॉलेज लिस्ट पे नंबर थर्ड पे है श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। यह कॉलेज 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और ये नैक ग्रेड A++ कॉलेज है और ये कॉलेज AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है और साथ ही में एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BTech, MBA, BSc, BEd, BA LLB, LLB, BCA, BBA, BTC, BSc, SG, BCom, BPed, B Pharma और भी कई कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है कुछ कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस और साथ ही में उनकी फीसेज हैं। इस पे नंबर फोर पे है भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज 1999 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है, साथ ही में यह एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BTech, MBA, MTech, BBA, BTech लेटरल जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है स्क्रीन पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी कोर्सेज हैं, साथ ही में उनकी फीस प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाले उन कोर्सेज के लिए, सारी डिटेल आपको इस स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी। इस आगे की लिस्ट में नंबर फाइव पे है SD कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यह कॉलेज 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे MBA, MCA जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से MBA और MCA की फीस और साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला इन कोर्सेज के लिए आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। टॉप 10 लिस्ट पे नंबर सिक्स पे है SD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे BTech, BTech लेटरल, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक लेटरल जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं, साथ ही में उनकी फीस और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है इन कोर्सेज के लिए। इस आगे की लिस्ट पे नंबर सेवन पे है रुड़की इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट 1999 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे BTech, MBA, BTech लेटरल, पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। यहाँ पे आप उन कोर्सेज की फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। टॉप 10 लिस्ट पे नंबर 8 पे है दीनदयाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज 2007 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे BEd, BPed, BBA, BCom, BCA, MEd, BTC जैसे कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। इस आगे की लिस्ट पे नंबर 9 पे है शामली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह इंस्टीट्यूट 2000 में स्टैब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे BTech, MBA जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 10 पे है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज MMC मुजफ्फरनगर। यह कॉलेज 2006 में स्टैब्लिश हुआ था और ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे MBBS, MD, MS, GNM, BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आप इन सभी कोर्सेज की फीस देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। इन सभी की फीस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है पर इसी के आसपास होगी। तो ये है मुजफ्फरनगर के टॉप कॉलेज। इन कॉलेजेस के अलावा भी मुजफ्फरनगर में कई कॉलेज हैं जिसमें आप अपने एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर अपना एडमिशन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो टॉप 10 कॉलेज थे मुजफ्फरनगर के मैंने इस वीडियो में एड ऑन किया। आपके हिसाब से कौन से कॉलेज को इस लिस्ट में होना चाहिए था आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो कैसे लगे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर एजुकेशन और टॉप कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।